कांग्रेस की नजर आदिवासी वोट बैंक पर है। दो दिन बाद राहुल गांधी रहेंगे आदिवासियों के बीच में। 8 अगस्त को जाएंगे राहुल गांधी मध्य प्रदेश के शहडोल में। 9 अगस्त को रहेंगे आदिवासी दिवस पर राजस्थान के दौरे पर। दोनों जगह पार्टी अध्यक्ष खड़गे भी मौजूद रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, जैसा आपने पहले बताया, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी राजस्थान, उसके और उससे पहले राहुल गांधी मध्य प्रदेश जाने वाले हैं। जी देखिए, बिल्कुल है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जहाँ चुनावी होने हैं, ऐसे में वहाँ आदिवासी वोट बैंक काफी तादाद में है, तो उनके बीच कैसे जाया जाए, उनको किस तरह लुभाया जाए, इसके लिए 8 अगस्त को राहुल गांधी पहले मध्य प्रदेश जाएंगे और आदिवासी इलाके शहडोल में उनकी एक चुनावी सभा होगी और उसके अगले दिन राजस्थान के रण में आएंगे राहुल गांधी बांसवाड़ा में। उनकी 9 अगस्त को, उस दिन आदिवासी दिवस है, बड़ी जनसभा रखी गई है और उस जनसभा के जरिए खड़गे और राहुल गांधी चुनावी शंखनाद करेंगे। लाखों की तादाद में भीड़ जुटाने का लक्ष्य कांग्रेस पार्टी ने रखा है, क्योंकि उदयपुर और वागड़ में टोटल 28 विधानसभा सीट आती है और जिसमें उदयपुर वागड़ का जो किला जिंदा है, जहां पर बढ़त बनाई है, उसकी राजस्थान में सरकार बनती है और उसके मद्देनजर उन्होंने मेवाड़ और वागड़ एरिया को खास तौर पर चुना है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में और वहां आदिवासियों के बीच जाकर चुनावी शंखनाद करेंगे, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश। जी बिल्कुल दिनेश, देखिए चुनाव में बहुत कम समय बाकी है, तो लगातार अब सभी पार्टियों के दौरे लगातार जारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश जाएंगे राहुल गांधी और उसके बाद आदिवासी दिवस पर राजस्थान दौरे पर आएंगे राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, और एक बड़ा वोट बैंक जो माना जाता है आदिवासियों का, उसको साधने की कोशिश की जाएगी। संबोधन होगा राहुल गांधी का और मल्लिकार्जुन खड़गे का, और क्या कुछ वो मैसेज देंगे मंच से, ये देखने वाली बात होगी।